हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स मैं मनिंदर कौर आपके स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं डेट इज़ बेस्ड ऑन ब्लोइंग एक्सरसाइजेज़ ब्लोइंग हम बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कई पेरेंट्स कहते हैं कि मैम स्पीच डिलेज़ हैं कई कहते हैं कि मैम स्पीच की आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है कई पेरेंट्स कहते हैं कि साउंडस ही नहीं हैं ठीक है थीके? तो इन सबका एक ही सॉल्यूशन है दैट इज़ कि ओरल मोटर जो मसल्स हैं उनका स्ट्रेंथन अप होना ठीक है जी और ये इसमें कैसे स्ट्रेंथ आएंगी ब्लोइंग के साथ हम लोग क्या करते हैं बीइंग अ पेरेंट हम लोग क्या करते हैं कि मैं आपको ना जैसे पेरेंट्स से कॉल पे बात करती हूँ कि मैं आप लोग क्या ब्लोइंग करा रहे हैं तो पेरेंट्स ना बड़े एंथोजाजम से बोलते हैं कि हाँ जी हम करा रहे हैं बट अगर आपको स्पीच की क्लैरिटी चाहिए प्रॉपर आपको ब्लेंड्स भी चाहिए ब्लेंड्स मीन्स टू कॉन्सनेट्स टूगैदर ओके लाइक ब्ल ब्ल ब्र स्टफ़ लाइक दैट ओके अभी हम क्या करते हैं कि बच्चे के वोवल्स ईजिली आ जाते हैं आ, ए ई ओ ओके इस तरीके के साउंड्स बट अभी क्या है कि हमें टफ़ अपने टारगेट्स को टफ़ करते जाना है इसी तरीके को इसी तरीके से हमें ब्लोइंग के एक्सरसाइजेस को भी अपर लेवल पे लेके जाना है और इन्हीं चीज़ों को आज सिखाने के लिए मैं आपके लिए स्टफ मैंने कुछ रेडी किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके की टू बॉटल्स आपको लेनी है और इसमें कलरफुल आपको थर्माकोल डाल देने हैं ठीक है इस तरीके का आपको एक बनाना है ये सब होम मेड है कुछ भी उसमें कुछ नहीं है सर्कल काटा है मैंने कट किया है और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया है और उसके ऊपर एक स्ट्रॉ लगा ये मैं आपको दिखाऊंगी लेटर ऑन कि इन सब चीज़ों को यूज़ कैसे करेंगे ठीक है आपको कलरफुल स्ट्रॉस ले लेनी है इस तरीके के आपको विसल्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि जैसे ये बचते हैं ना मेरे को कुछ भी इंटरेस्टिंग चाहिए अपने बच्चों को ब्रॉइंग इंट्रोड्यूस करने के लिए फिर इस तरीके की विसल्स हो गई ये स्टफ़ हो गया ठीक है बटरफ्लाई या बटरफ्लाइज और ये मैंने आपको बनाया है ये देखो मैंने कुछ नहीं किया मास्क मा, हाँ जी बोलो या ग्लव मैंने लगा दिया है पेपर पे मैं दिखाऊंगी कि आपको ये इससे मैं क्या करने वाली हूँ ठीक है एक मैंने ये बनाया है देखो होममेड है सभी बॉक्सेस के ऊपर इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया है चार्ट पेपर इधर एक बना दिया कि गंदगी ना फैले कि अगर बच्चा कुछ भी ब्लो कर रहा है तो वो सीधा इसमें जाए ठीक है जी तो ये चीजें हमने बनाई हैं मैं आपको अभी इसको यूज़ करके सब कुछ दिखाऊंगी, ओके वेट करो। नंबर वन एक्टिविटी मे बी अभी हम इन चीज़ों को ना स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ ब्लोइंग एक्सरसाइजेस में भी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं पहले क्या है कि हम बच्चे को सिर्फ ब्लोइंग इंट्रोड्यूस करनी है तो हमें और थोड़ा सा यू you नो know, मज़ेदार होनी चाहिए हमारी टेक्निक्स धीरे धीरे इनको हम टफ़र लेवल पे लेके जाते जाएंगे ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे मैंने बच्चे के लिए पेपर कट करके रखे टीयर करके रखे और यहाँ से हम सिर्फ ब्लोइंग सिखाएंगे डू

Interesting. हाँ जी. Yes. आपने देखा इसमें क्या है कि जब ये ऊपर जाएगा ना तो बच्चे को जो शरारती बच्चे हम लोगों के उनको लगेगा की अच्छा कुछ तो इंटरेस्टिंग है इसमें सो so वो इस तरीके से ब्लो करेंगे yes. Give it to mama. Okay. नेक्स्ट so एक्सरसाइजेस इस तरीके की बटरफ्लाई बहुत तरीके की मिलती है हमने लेवल्स के अकॉर्डिंग ली है उसमें थोड़ा इजी है इसमें थोड़ी और ब्लोइंग जाएगी नेक्स्ट में और डू और सीधा करके बजाओ अभी देखो बजते ओए ये क्या हो गया दिखाओ अभी अभी करो ब्लो आई थिंक खराब हो गया ना ये फिर से करो और गुड देखो इसमें रीत के साथ क्या हुआ अभी लाइव देखें इसमें रीत को ना समझ में आई नहीं आई कि, कि कितनी एयर अंदर जाएगी देखो अभी इसको समझ में आ गया लो क्या यस तो ब्लोइंग का मतलब ये नहीं है कि आप आपने एक दो दिन किया और उसका काम खत्म हो जाए ऐसा नहीं होता है ब्लोइंग को हमें कंटिन्यू रखना है मॉर्निंग इवनिंग में आपको एक्सरसाइजेस करानी है यस और ब्लोइंग एक्सरसाइज से सिर्फ स्पीच में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा च्यूइंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगा क्योंकि च्यूइंग भी एक औरल मोटर फंक्शन है ना चाहे हमारे माउथ के स्ट्रक्चर में इशू है या उसके फंक्शंस में इशू है जो भी माउथ के ऑर्गन है अंदर है ना तभी तो बच्चे का स्पीच डिले है बच्चे की स्पीच नहीं आ रही बच्चा हर चीज़ को स्वेलो कर रहा है च्यू नहीं कर रहा तो इस चीज़ से अगर आप रेगुलरली ब्लोइंग पे काम करते रहेंगे तो आपको हर चीज में इस चीज का इफेक्ट नजर आएगा ओके सो ठीक है नेक्स्ट इज अभी धीरे आप करेंगे ब्लो डू हाँ 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 यस ओके नो प्रॉब्लम इसको हैंड रख लो ऊपर इस होल के ऊपर हां अभी करो यस लुक हम्म वेरी गुड स्टार्टिंग में आपको हर चीज़ दो दो में लेनी है ताकि आप करके दिखाएं और बच्चा भी करके दिखाएं ठीक है जी ओके अभी क्या है आप लोग सीधा जंप करते हो कैंडल पे। अच्छा ये क्या है उसके बाद ये सबसे टफ है इस विसल पे बहुत एनर्जी जाती है एक्चुअली हाँ जी Yes. मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रही हूँ अच्छा अभी क्या है कि कैंडल मोस्टली थेरेपिस्ट बोलते हैं यूज़ करने के लिए वो सेम ही है वन और अदर सेम थिंग तो मैं हम लोग लाइटर यूज करते हैं क्योंकि मेरे को लगता है कैंडल बर्न करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है बहुत टाइम जाता है तो एक आप लाइटर खरीदें और इसको यूज करें और हमेशा आपको लाइटर ऐसे रखना है नीचे रखेंगे तो मुश्किल है बच्चे के लिए ब्लो करना टाइम अरे एक चीज और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगी यहाँ पे हमारा ना किसी भी बच्चे का जब उसका फर्स्ट बर्थडे होता है तो आप लोग नोटिस करेंगे कि केक पे हम लोग इस तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं कि फर्स्ट बर्थडे पे उसने केक पे कैंडल खुद से ब्लो नहीं किया था तो जो अप्रोप्रिएट एज है वो टू इयर्स है ब्लोइंग के लिए कि जिससे मैं कहूँ ना कि अभी हम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा एक टाइम पे एक ही कैंडल को ब्लो कर पा रहा है टू को थ्री को इससे हमें पता चलेगा कि बच्चे के और मोटर जो वो है मसल्स हैं वो कितनी स्ट्रेंथन अप हो चुकी हैं इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ लेटर ऑन दिखाऊंगी ठीक है ओके सो द नेक्स्ट थिंग इज़ ये देखो इस मैं आपको दिखाती हूँ बहुत आपको ना इंटरेस्टिंग चीज़ें अप्लाई करनी है ये देखो मैंने क्या किया इस तरीके से बना लिया ये फनल से भी मिलती है ना ऑयल के लिए वो ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दिमाग ठीक है जी ये क्या है आप डालेंगे इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग से पेपर टीयर करके डालें ठीक है जी अभी देखो रीत इधर से करेगी ब्लो और स डू आर मोर टाइम करो करो येस लीव सो इस तरीके से आपको इंटरेस्टिंग चीजें अपनानी पड़ेंगी थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी आप लोगों को यूज करनी होगी ठीक है जी तो ये है अदर एग्जाम्पल ऑफ ग्लोइंग नेक्स्ट थिंग इज कि कुछ भी नहीं है देखो कितना ईजी है ना कुछ भी नहीं किया आपको सिर्फ ये करना है मैंने ग्लव डाल दिया ये देखें बस leave. लीव 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 इस तरीके से वन मोर टाइम यस वेरी गुड देखो बच्चे का ना इंटरेस्ट आएगा इन चीज़ों में वेरी गुड दैट्स इट दैट्स इट वेरी गुड सो थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसके बाद देखें ये चीज़ यूज़ की गई है इसको यूज़ करने का भी एक तरीका है आ, पहले हम लेंगे थोड़े से लाइट वेट में इस तरीके के देखो मैंने ऐसे बस छोटे छोटे से बनाए हैं जस्ट टू मेक श्योर कॉन्सेप्ट टियर करके मैं आपको दिखाती हूँ इससे क्या फर्क पड़ने वाला है हाँ जी इश्प्रीत वेरी गुड अभी मैंने क्या किया मेरे को इसका लेवल ना इसी बॉक्स से भी मैं बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकती हूँ बच्चे को उसके बाद मैंने थोड़ा ना? सा हैवी कर दिया हाँ जी बुक्स तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा हैवी कर दिया पेपर को क्योंकि मेरे को अपने बच्चे की एक्सरसाइज ये जो मसल्स हैं उनको और स्ट्रेंथन अप करना है और इसमें पता है क्या फ़ायदा यहाँ पे एक एक गोल है एक पर्टिकुलर टारगेट है जिसको उसको ब्लो करना है तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी चाहिए फोकस भी चाहिए हाँ जी मेरा उत्तर आते जाओ आते जाओ देखो इससे क्या है कि आ, एक होता है कि मैंने ना ये ब्लोइंग एक्सरसाइजेस पे काम किया और मोटर मसल्स के ऊपर काम किया उससे क्या है कि मेरे बच्चे की ब्लोइंग आ गई एक है अभी हम इस इन चीज़ों को कोरिलेट करेंगे एक है कि मेरे बच्चे के साउंड्स आ गई फिर मेरे बच्चे के वर्ड्स आ गए फिर मेरे बच्चे के टू वर्ड फ्रेजिज आ गए और फिर सेंटेंस मेकिंग आ गई इसी तरीके से ब्लोइंग काम करती है जब बच्चे की थोड़ी धीरे धीरे ब्लोइंग आती है तो समझें कि उसके साउंड्स ठीक है फिर और स्ट्रेंथन अप हुई ब्लोइंग तो समझें वर्ड्स ठीक है फिर और स्ट्रेंथन अप हुई देन टू वर्ड फ्रेजेस क्योंकि सेंटेंस मेकिंग में भी हमें बहुत सारी एयर चाहिए ठीक है तो अभी देखें अगर अभी ये इतना ब्लो कर पा रही है मतलब कोरि लेट करके चलें अगर आप लोग ब्लोइंग बस बंद कर देते हैं दो तीन दिन करा कर तो बस फिर समझें कि बच्चा वहीं पे स्टक हो जाएगा ये चीज़ें ऐसी हैं मतलब हर बच्चे को आनी चाहिए जिनको स्टैमरिंग का भी इशू है आर्टिकुलेशन में इश्यूज हैं वो बस पे मेन फोकस करें सब साउंड्स प्रॉपर निकलेंगे इसको को आप सीधे पकड़ें इस तरीके से ठीक है जी नो प्रॉब्लम ठीक है न्यू ठीक है जी अब मैंने क्या किया था हैवी कर दिया अब मैंने ये यूज कर रही हूं मैं देखो मैं आपको दिखाऊंगी इसमें क्या फर्क पड़ता है वेल वेरी गुड अरे अरे आप इसको सीधा करो चलो की ब्लोइंग इसमें मैंने क्या किया कि अगर जितना रास्ता आप बड़ा बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ड्यूरेशन ऑफ ब्लोइंग बढ़ेगा ना ठीक है है तो वही के लिए करना है क्योंकि sentence बोलने की duration और blowing की और को आपस में correlate करके देखें ठीक है है जी तो ये है तरीका, तो ये तरीका चीजें करके हमको ब्लोइंग लेके आनी है अगर आप ये मत सोचें कि इंस्ट्रक्शन देंगे कि ब्लोइंग करो और बच्चा ब्लोइंग करने लग जाएगा तो इसको स्पेशल एजुकेशन में क्यों डाला गया ना फिर ठीक है हाँ जी ने कोई बात मैं अभी ठीक कर देती हूँ आपका पिल्लो ओके सो द नेक्स्ट ब्लोइंग एक्सरसाइज़ की इस तरीके से आप एक डिस्पोजेबल ग्लास ले लें इधर भी स्माइली उधर भी स्माइली इससे क्या होगा ब्लोइंग एक्सरसाइज इज जस्ट वेट प्लीज ब्लोइंग एक्सरसाइज तो ये है ही है उसके बाद टर्न टेकिंग वेटिंग बच्चा सीखेगा क्योंकि पहले एक बार रीत ब्लो करेगी फिर मैं ब्लो करूंगी तो टर्न टेकिंग हो गई और साथ में वेटिंग है जब मैं ब्लो कर रही हूँ तो रीत नीड्स टू वेट राइट इश्प्रीत और इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर मैं इसको जोर से ब्लो करूंगी ना तो ये ग्लास उड़ के नीचे चला जाएगा गिर जाएगा नीचे तो ब्लोइंग को हैंडल करना ओके okay? कि कितना माउथ से एयर बाहर निकालना है ये भी एक बहुत प्यारी यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज यू कैन से कि अपनी ब्लोइंग को हैंडल करना कई लोगों को आपने देखा बहुत लाउड बोलते हैं ऐसा लगता है सब यू you नो know, मुंह पे आ रहे हैं वर्ड्स तो इट मीन्स कि वो अपनी एयर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ठीक है जी तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसको ना ऐसे पकड़ते हैं ऐसे चलो पहले आपकी टर्न है बहुत स्लो स्लो आपको करना है लेके आई मेरे पास यस अभी देखे मामा की टर्न और <laughs> सीधा लेके आएंगे या वेरी गुड देखो गिर गया ना चलो हाँ धीरे ठीक है थोड़ा स्लो देखो मेरा क्लास बिल्कुल सीधा पहुंच रहा है आपके पास हाँ देखो इससे क्या है कि रीत को समझ में अभी क्योंकि धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में एयर को छोड़ना है ठीक है अभी देखो मैं इसको सीधा कर रही हूं हाँ जी यप वेरी गुड ओके सो ये तरीका है बच्चे को सिखाने का कि कितना एयर छोड़ना है किस डायरेक्शन में छोड़ना है ठीक है जी ओके सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज ये भी ब्लोइंग uh, की ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए है मैं आपको दिखाती हूँ आप इस तरीके से कोई भी कलर यू you नो know, ऐसे वाटर जस्ट वेट सो सॉरी ठीक है यू नीड टू वेट फॉर अ लिटिल लिटिल जस्ट वेट आपको क्या करना है ऐसे इस तरीके से एक ड्रॉप छोड़ी बस एक ही ड्रॉप हमें चाहिए मैं आपको दिखाऊँ पहले यू नीड टू वेट फॉर अ वाइल ओके इस तरीके से आप इस पर ब्लो करेंगे क्योंकि ये ओ। क्योंकि ये एक ब्लो से ये पानी खत्म नहीं होने वाला है तो हमें इसको यही गेम बनानी है कि आपको सारा ड्राई अप करना है ठीक है तो ब्लोइंग बच्चा करता रहेगा <laughs> चलो अब रीत की टर्न है रीत आप वन वन टाइम करेंगे डिप हम्म अभी यहाँ पे रखें हाँ अभी चलो इसको ब्लो करो करते रहो करते रहो ये करते रहो देखो इससे क्या होगा ब्लोइंग बढ़ रही है रीत की वेरी गुड वेरी गुड इसको थोड़ा सा नीचे हाँ वेरी गुड इधर से भी शाबाश वेरी गुड ओके सो द लास्ट टेक्निक इज दिस इज कॉल्ड द ये आपको केमिस्ट शॉप से आ, खरीदना है ठीक है आपने ब्लोइंग करानी है तो आपको इसको इस तरीके से रखना है टेढ़ा ठीक है उल्टा यू कैन से हाँ जी यस yes, देखो बच्चा ब्लोइंग करेगा और ये बॉल्स ऊपर होंगे हाँ जी करें वेरी गुड इससे ना ये आप यू कैन से इट्स अ मीटर काइंड ऑफ थिंग कि मेरे को पता चलेगा कि मेरे बच्चे की जो ब्लोइंग है उसमें कितना स्ट्रेंथ आ चुका है और मोटर मसल्स कितनी स्ट्रेंथन हो चुकी हैं इससे हमें ये पता चलेगा अगर इसको हम भी करेंगे तो बहुत मुश्किल है ये टू बॉल्स को ऊपर लेके जाना थोड़ा सा जोर से ला करने की कोशिश करो अरे देखो ये देखो येलो ऊपर गई थी अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो ठीक है तो रेस्पायरोमीटर बस यूज़ करने का बस बस मेरा बच्चा जस्ट लीव रेस्पायरोमीटर यूज़ करने का सिर्फ एक आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को कोई और मेडिकल इश्यू ना हो जिन बच्चों को मेडिकल इश्यूज़ हैं वो डॉक्टर से लिखवाने के बाद ही रेस्पायरोमीटर यूज़ करेंगे लाइक like हार्ट का कोई इशू तो नहीं है अस्थमेटिक तो नहीं है रेस्पिरेटरी कोई इशू ना हो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है अदरवाइज रेस्पायरोमीटर इज अ ब्यूटिफुल और मोटर एक्सरसाइज हो सकती है और ब्लोइंग एक्सरसाइजिज है ओके सो थैंक यू सो मच इफ़ यू फील लाइक कि मेरी टेक्निक्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं क्रिएटिव हैं तो कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ ओके सो थैंक यू सो मच